कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अम्मी 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 पापा अम्मी क्या हुआ आसिफ, तुम मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। तुम्हें पता है ज़ारा, ऐसे इमोशनल फेज से पहली बार मैं गुजर रहा हूँ। इतनी सारी हैपनिंग मेरे साथ पहली बार हुई है लाइफ में। जैसे यू नो माइंड में सब कुछ अभी तक फ्रेश है। आसिफ जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, जिंदगी मौत से जुड़ी हुई है और ये बात मुझसे बढ़कर कौन समझ सकता है। मैं भी तो अपनी माँ को खो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि सब कितना मुश्किल होता है। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो, इतने चुप क्यों? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम कितनी स्ट्रांग हो ना। इतना सब कुछ लाइफ में तुमने अकेले फेस किया है, बहुत हिम्मत की बात है। पता है? Are you sure that's the only reason? अंकल भी काफी खामोश लग रहे थे। नहीं, वो एक्चुअली सफर की वजह से थोड़े थके हुए होंगे। रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं भी चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। थैंक यू सो मच। मैंने नजीब को मना भी किया था कि तुम्हें अपने साथ ना लेके जाएं, लेकिन वो सुनते कहाँ है किसी की। अब देखो तो सही, दो दिन में तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है, कितने मुरझा गए हो। मुझे तो लगता है कि तुम वहां सही से सोई भी नहीं हो। खुश नहीं हुआ मॉम, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अपनी खाला से मिले थे? हाँ, मैं बस उनको देखता ही रहा। वो जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो मुझे देख रही थी। उनका हाथ मेरे हाथों में था, शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर देखते ही देखते उनकी आंखें पत्थर की हो गई। मैंने पहली बार इतने कम टाइम में इतना कुछ देख लिया। असद बेटा, अगर तुम आराम करना चाह रहे हो तो आराम कर लो। नहीं, मुझे यहीं रहना है। मेरी जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है ये मुझे पहली बार एहसास हुआ है। मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकता। तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम मुझसे दूर रहो? मैं भी तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें पता है, तुम मेरी जान हो। महाबिनते जावेद अहमद को बावज हक महर शराई आपकी निकाह में दी जाती है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हुआ असद, यू के? मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ।
जी फैजान भाई। ये कितनी बार कहा है भाई मत बोला करो मुझे। वो लड़का 2 दिन के लिए यहां आया था और तुम उससे निकाह करने के लिए राजी हो गई, ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तुमने उससे निकाह कर लिया। मेरे साथ तो तुम्हारा मैच नहीं था, हाँ स्टैंडर्ड का नहीं था मैं तुम्हारे। पापा मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने, अगर आपने उनसे कोई बात करनी है तो वो घर पे नहीं है इस वक्त। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। देखो मां, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में अंदर आ सकता हूं, तो तुम जानती हो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चाचा से कहो अपना फैसला बदल लें, जिस तरह खामोशी से निकाह किया ना उसी तरह खामोशी से निकाह तोड़ दें, वरना वो लड़का निकाह तो कर गया है वापस यहां नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें मां। पापा तुम अंदर जाओ मां, आ भाई। किसको धमकी दे रहे थे मुझसे बात करो। देखें चाचा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपने आपने मेरे एहतराम का सही सिला नहीं दिया है मुझे। देख लिया तुम्हारा एहतराम, कितना एहतराम करते हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है वो। अरे अच्छे से जानते हो कि किस दुख से गुजरी है, लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह, तुम्हारी मां तो जिंदा है ना, तुम्हें तो बस सिर्फ एक दुख खाया जा रहा है कि मुझे रिश्ता देने से इनकार क्यों किया। तो सुन लो कि मैंने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि तुम एक घटिया बेशर्म इंसान जिसे रिश्तों की कोई तमीज नहीं, जिस अंदाज से तुम्हारी परवरिश की गई है ना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूं। आप हद से गुजर रहे हैं चाचा। बेटा अभी सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, और आइंदा अगर तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ लूंगा तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। फैजान क्या जरूरत थी वहां जाने की, हाँ तुमसे पूछ रही हूं मैं। अरे अभी उसकी मां को मरे हुए दिन ही कितने हुए, जवाब दो ना। जब मां के मरने पे निकाह हो सकता है तो मरने के 4 दिन बाद मैं रिश्ते की बात क्यों नहीं कर सकता। पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे। आप लोग एक काम करें, अब आप लोग छोड़ दें सब, अब जो भी करना है मैं करूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल करो। हाँ क्यों एक लड़की के लिए जलील कर रहे हो अपने आप को। मुझे तो लगता है आप लोग भी नहीं चाहते कि मेरी शादी मां से हो, अगर मेरी खुशी इतनी प्यारी होती ना तो उसका निकाह किसी और से नहीं होने देते। मुझे समझाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं वो नहीं समझेगा, और आप भाई की इज्जत को अच्छी तरह जानती है ना, एक बार जो वो थान ले तो फिर वो करके ही छोड़ता है, और अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, इससे पहले के बाद रुखसती तक पहुंचे आप अब्बू से कहे कि वो जावेद चाचा को किसी भी तरीके से मना ले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा।
हेलो। हाय असर, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसी लॉन में बैठा हुआ था। तो फिर चलो मुझसे बातें करो, अपने थॉट्स शेयर करो मुझसे। नो, आई वाजंट थिंकिंग एट ऑल। सब ठीक है। चलो अगर नहीं बताना है तो कोई और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या बात करूं। व्हाटएवर यू वांट। क्या कर रही थी तुम? कुछ ऑफिस का काम था, वो करके अभी फ्री हूँ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना कल? जाना है। एक्चुअली मुझे भी ना सुबह ऑफिस जाना है, एंड आई एम अ बिट टायर्ड। इफ यू डोंट माइंड कैन आई कॉल यू टुमारो? ओके, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, गुड नाइट। तक ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुड़ता है बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र ना किया करें। क्यों फिक्र नहीं करूं बेटा, बाप हूं तुम्हारा। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी माँ को खोया, और माँ को खोने के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा जीना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी से जाओ। हाँ ठीक, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। मेरी फिक्र नहीं कर बेटा, मुझे तो अब अकेले ही जीना है, और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा बेटा। अच्छा खैर छोड़ो, असद या नजीब की फोन कॉल आई थी तुम? नहीं बाबा, उनकी कॉल क्यों आएगी मुझे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। उन्होंने पहुंच कर खैरियत की कोई खबर भी नहीं दी, मैं खुद असद से या नजीब से बात करता हूँ। तुम नाश्ता करो। ऐसी बात है, अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो फिर जबरदस्ती मुझे खिलाना पड़ेगा। चलो नहीं बाबा। चलो खाओ। नजीब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कल आप इतने थके हुए थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ कहो। मैं सोच रही थी कि हबीब भाई के यहाँ जाके रिश्ते की बात करके आए, वो बहुत दिनों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी मुश्किल बात तो मैंने कही नहीं आपसे। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि असद और जारा के रिश्ते की बात करने के लिए हमें हबीब भाई के घर जाना चाहिए। दरअसल मैंने उनसे वादा कर लिया था, उनसे कहा था कि जब आप आ जाएंगे वापस तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे। मारिया, तुम्हें वादा करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था। नजीब, अक्सर आपके सामने बातें होती हैं, आपने कभी इनकार नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपको कोई एतराज नहीं है, इसीलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंस से हबीब भाई से बात कर ली। हाँ ठीक है कि मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मारिया ये भी ठीक है कि मैंने कभी इकरार भी नहीं किया। नजीब, क्या आप नहीं चाहते हैं कि असद और जारा की शादी हो जाए? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तो फिर ये कितनी जल्दी क्या है? कुछ दिन रुक जाओ, फिर देखते, और जो भी फैसला होगा वो असद की मर्जी से होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि असद जारा को कितना पसंद करता है। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। आप जब से वापस आए नजीब, आप बहुत बदले से लगने लगे हैं, क्या बात है? बिल्कुल सही जज किया तुमने, मैं जब से वापस आया हूँ बिल्कुल बदल गया हूँ।
इसलिए कि मुझे अपने माजी में किए गए फैसलों पर अब पछतावा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप मुजीब? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है मारिया, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। हेलो जावेद, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पहुंच गए खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ सब ठीक है? हमारी माँ बेटी कैसी है? वक्त सबसे बड़ा मरहम है, उसका ये दुख भी वक्त के साथ साथ मध्यम हो ही जाएगा। अभी लाइब्रेरी गई है, वरना मैं तुम्हारी उससे बात करवाता। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल लाइफ में दोबारा एंटर हुए हो। कोई नहीं, मैं उसे खुद फोन कर लूंगा। तुम बताओ असद कैसा है, भाभी कैसी है? सब ठीक है। एक बात दिल को बहुत परेशान कर रही थी। देखो नजीब, बुरा मत मानना, मैं बेटी का बाप हूं, इसलिए उसके मुस्तकबिल के वसवसे दिल को परेशान करते रहते हैं। सोचा तुमसे बात कर लूं तो शायद दिल को तसल्ली हो जाए। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है बोलो। नजीब, असद और माहा के निकाह के वक्त भाभी शरीक नहीं थी। उस वक्त मैंने भी तुमसे कोई बात नहीं की, और मुझे लगता है कि शायद तुमने भाभी को बताया भी नहीं था। तो बस यही बात दिल को खाए जा रही है। भाभी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना इस रिश्ते से? वो मान तो जाएंगी ना? क्यों नहीं मानेगी जावेद? मैंने अपने बेटे का निकाह अपनी मर्जी से माँ से किया है, क्यों नहीं मानेगी? तुम खामखा ऐसी बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, और हम बहुत जल्द एक साथ अपनी बेटी को लेने के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद दिल का बोझ हल्का हो गया। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तीन बुक्स मैंने इशू करानी है। यार मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी का सुन के। मैं तो खुद एग्जाम्स में इतना फंसी हुई थी कि तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर सकी। लेकिन मुझे पता था कि तुम सीएसएस के पेपर्स नहीं दे सकी यार, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता थी कि तुमने क्यों मिस किए पेपर्स। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी का सुन के। तुम्हें तो पता था ना कि अम्मी बीमार रहती हैं। खैर तुम बताओ एग्जाम्स कैसे हुए तुम्हारे? नॉट बैड, प्रीवियस रन से तो काफ़ी डिफरेंट थे, बट आई एम वेरी होपफुल। तुम बताओ क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? यार मुझे तो अपने प्लान्स का कोई आइडिया ही नहीं। असल में ये सब तो अब मेरे इन-लॉज पे डिपेंड करता है। इन-लॉज? क्या मतलब तुम्हारा? कहीं कोई मंगनी वंगनी तो नहीं कर ली तुमने? मंगनी नहीं, निकाह हो गया मेरा। मुबारक हो भाई तुम्हें। कौन है भाई तुम्हारा राजकुमार? कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से तुम परेशान थी? नहीं भाई, उसको तो पापा ने इनकार कर दिया था। अब कब कर रही हो रुखसती? अपनी शादी पे भी बुलाओगी या नहीं? रुखसती का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शादी पे तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? और हाँ सीएसएस का क्या प्लान है? इस पर पेपर जरूर देना सारा। वो
एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को इतना जानती नहीं हूँ, मतलब कहने को तो वो मेरे खाला के बेटे हैं, लेकिन मैं उनसे कई सालों बाद मिली हूँ तो मुझे उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता वो मुझे एग्जाम्स देने ही ना दें। कोई पिक्चर पिक्चर है तुम्हारे पास उनकी? यार दिखाओ ना प्लीज। कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास उनकी। खैर इस बार पेपर ज़रूर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम पिया जी के होके बैठ जाओ। और हाँ, जब आपके पिया जी को पता चलेगा कि उनकी होने वाली वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम्हें ज़रूर इजाज़त देंगे पेपर्स देने की। तुम अपनी ये ख्यालात की तबलीग का मौका ना कभी हाथ से ना जाने दिया करो। हाँ भाई तुम्हें तो पता है वुमेन वेलफेयर का काम मेरा ही है। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो? क्या है मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं सोचा, बस वो काफी अरसे के बाद आया हूँ ना घर, तो ऑफिस के काम वगैरह उसके बारे में सोचा था। आई नो मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है पापा की इलनेस की वजह से, बट यू नो इतने दिन हो गए और हम दोनों ने लंच नहीं किया, तो मैंने सोचा आज तो लाजमी है। क्या हुआ सर, तुम आज कुछ ज्यादा ही चुप चुप हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, बात कर तो रहा हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, मारिया आंटी ने तुमसे कोई बात की है, कोई खास बात? कुछ बात करनी थी उन्होंने, किस बारे में? हाँ वो कह तो रही थी कि असद वापस आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी। क्या बात? हमारी शादी के बारे में। महा बिनते जावेद अहमद को बावज हक महर शराइ आपके निकाह में दी जाती है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे? तुमने कभी सोचा नहीं था? Zaha, don't you think it's a bit noisy here? कहीं और बात करें इस बारे में, सुकून से जहाँ बैठे हूँ। आई नो मैं भी यही सोच रही थी, कुछ रोमांटिक सा प्लेस होना चाहिए ना जहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं। यू राइट। वाह भाई क्या स्टोरी है तुम्हारी, बचपन का प्यार एंड ऑल दैट। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। I'm sorry for that. बाबा का ख्याल रखना तुमने, और रखना भी। वैसे उन्हें पहुंच कर एक बार फोन तो कर देना चाहिए था, मुझे तो क्या उन्होंने बाबा से भी कोई बात नहीं की। बहुत दुखी हूं मैं जावेद, तुमने असद का मां से रिश्ता करके मेरी बेइज्जती की। जिस शख्स ने तुम्हें 20 साल तक मुड़कर नहीं देखा, तुमने उसकी खातिर अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बड़े भाई को, जिसने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम्हें बजाय इसमें शर्मिंदगी होने के तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि मैंने उसकी तबीयत ठीक नहीं की। क्या कमी है फैजान में, और कौन से सुरखाब के पर लगे हुए असद के अंदर? भाई साहब उल्टा फैजान को गलत कहने के उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसकी गलती को जवाब दे रहे हैं। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए थी। क्या गलती की उसने तुमसे, तुम्हारे रवैये की घर आके शिकायत की, ये गलती है उसकी? पर सब आपकी नजर में उसकी गलती गलती ना हो, लेकिन बदतमीजी की उसने मुझसे, धमकियां दी है उसने मुझे। भतीजा है वो तुम्हारा, कजन है माँ का, तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? भाई साहब अब मेरी बेटी का ना निकाह हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि वो मेरे घर में ना आए। जावेद होश करो, निकाह हुआ है, रुख्सती नहीं हुई अभी। अगर तुम अभी भी मुझे हाँ करो ना तो मुझे कोई इतराज नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मेरी बेटी किसी के नाम से मंसूब है, उसका निकाह हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि? क्या कह रहा हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे जो तुमने रिश्ता किया है जज्बात में आके, उसे खत्म करो, छोड़ो ये निकाह का सब। हद हो गई वैसे भाई साहब, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्या मतलब क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है अगर तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते ना, तो हम साथ नहीं रह सकते। फैजान तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुमसे तुम्हारे रवैये की शिकायत नहीं कर सकता, तो पीछे जवाब क्या रह जाता है?
अब मैं मजीद रिश्तों की लाश अपने कंधों पर रखकर नहीं जी सकता। तुम जानते हो ये घर मैंने बनाया हुआ है, जमीन बेशक अब्बू के नाम थी लेकिन सरमाया सारा मेरा लगा हुआ है इसके अंदर। हम दोनों के दरमियान रिश्तों का भरम था तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। क्यों किया चाचा ने मेरे साथ ऐसा? आराम से अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, मैं कर रहा हूं ना कोशिश, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्यों इसको झूठी तसल्लियां दे रहे हैं, जो सच है वो बताइए। और सच ये है कि मां का निकाह हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा हूं मैं उसे, मैं जानता हूं उसे घर छोड़ने की सकत नहीं है उसमें। मैंने इसलिए साफ साफ कह दिया घर से जाओ, अब वो आराम से बैठ के मेरी बात सोचेगा ना तो उसकी समझ में आ जाएगी। आपने जो करना है ना अबू वो आप करें, और जो मैंने करना है वो मैंने सोच लिया। जिस तरह चाचा ने मुझे बेइज्जत किया है ना, अब मैं भी देखता हूँ कैसे बारात लेकर आते हैं। इस तरह की हरकतें तुम्हारी रही तो खाक रिश्ता देगा कोई तुम्हें? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा करो यार, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। वैसे फैजान तुमने भी उस लड़की का ना खत सवार कर लिया है, अरे उसे हजार गुना बेहतर लड़कियां मिलती हैं। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे करूंगा, और ये बात आप लोग भी गौर से सुन लें। अरे यार पागलपन वाली बातें क्यों कर रहे हो तुम? बात सुनो, बात सुनो। ये लो, एक लड़की की वजह से ये औलाद हमारे सर पे नाच रही है। मुझे क्या सुनाते रहते हैं हर वक्त, तो किसे सुनाऊं? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप अच्छी तरह जानते हैं डैड, मैं क्या सोच सकता हूँ। जब से वापस आए हो माँ को कॉल की, किसकी कॉल आ रही है? जारा की कॉल आ रही है डैड, बार बार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, और वो सब सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी? आई एम अनेबल टू हैंडल ऑल दिस डैड। और फिर मॉम से मैं क्या बात करूंगा, उन्हें सब कुछ कैसे बताऊंगा? आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया डैड? असद बेटा, मारिया को अभी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी समझेगी नहीं। हाँ, जहां तक बात जारा की है, तुम्हें उसे एतमाद में ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो एक समझदार लड़की है, समझ जाएगी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे एतमाद में कैसे लूं। उसने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या हो गया ऐसा तुम्हें? एक साफ साफ बात करो, क्लियर कर दो उसे। डैड मैं उसको क्या क्लियर करूं? आपको पता नहीं है वो कितनी इमोशनल है, ये बात उसके लिए बहुत बड़ी होगी। हसद यार, और इस मसले का कोई हल नहीं है, मत भूलो महा अब तुम्हारी बीवी है, शी इज योर लाइफ पार्टनर। यार जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया, क्या सोच रही होगी? मायूस हो जाएगी यार, डोंट यू नो कितनी परेशान है वो इस वक्त, उसे तुम्हारी जरूरत है, शी नीड्स यू। आई बात समझ, उसे कॉल करना, टॉक टू हर, बी ब्रेव, चेयर अप यार, दैट्स लाइक माय बॉय। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। बाबा चाय? हाँ।
बाबा ताया बू ऐसे तो नहीं थे, उन्हें एकदम से क्या हो गया? बेटा इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। औलाद बड़ी अजीब सी शय है, इंसान औलाद की खुशी की खातिर किसी की भी जिंदगी से खेल जाता है, आराम हलाल का फर्क तक भूल जाता है, उसे उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। तारिक भाई को भी इस वक्त अपने बेटे की कोई खामी दिखाई नहीं दे रही, उन्हें तो बस अपने बेटे की खुशी पूरी करनी है किसी भी कीमत में। मगर पापा ताया अबू तो जानते हैं ना कि जाके भी उनसे ये घर नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बेटा वो जानते हैं, इसीलिए तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस घर की खातिर अपना फैसला बदल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा। मगर पापा मैं हूं ना बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जब से तुम वापस आया हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया, मायूस हो जाएगी यार। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, शी नीड्स यू। अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाई थी, वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? क्यों, सब ठीक है? हाँ वो सब ठीक है, बस यूं ही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर बताओ कौन सी बुक्स लेके आई हो तुम? बहुत सी बुक्स लाई हूँ, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आजकल कौन सा इंटरनेशनल इशू चल रहा है जो तुम पढ़ रही हो? आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बताओ व्हाट इज द हॉट इंटरनेशनल अफेयर नाउडेज? सीरियन क्राइसिस। तो क्या वजूहात हैं सीरियन क्राइसिस के? बहुत सी वजूहात हैं। जैसे क्या? कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं। अच्छा अच्छा, मुझे तो इंटरनेशनल और रीजनल रीजंस पता है, डोमेस्टिक रीजंस बताओ। काफी सारे हैं, बशारतुल असद एक रीजन है, बाकी एंटी डेमोक्रेटिक काफी रीजंस हैं। आप किस रीजन के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे बाबा के बारे में बताओ, कैसे हैं बाबा? ठीक है बाबा। गुड। अब आप क्यों चुप हो गए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ चुका हूँ, तुमने अभी तक मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे, सीरियन क्राइसिस के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो मेरे बारे में वो पूछो। असल में मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। असल क्या हुआ पूछो। महा पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं आपसे। कम ऑन महा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो, नो इश्यू। असल उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी में हूं, मुझे लगता है आपने जो कुछ भी किया खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से किया। अगर आप अभी भी अपने फैसले पे गौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी जबरदस्ती हो, आप समझ रहे हैं ना सर?
देखो महा, मैं मानता हूँ हमारा रिश्ता जैसे भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। मैं जानता हूँ कि अचानक डैड ने फैसला किया, बट डैड के इस फैसले से मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा हूँ। उस वक्त मैंने जो भी वादे किए, जो भी प्रॉमिसेस किए, मैं वो पूरे करूँगा और मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी भर मैं तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होने दूँगा कि फैसला मैंने जल्दबाजी में किया था। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? और कोई सवाल? नहीं नहीं और कुछ नहीं। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।